जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल कलयुग धार्मिक आस्था में। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी सावन के प्रथम सोमवार पर की हुई पार्थिव शिवलिंग पूजा का दर्शन करवाने वाला हूँ, और मैंने भगवान शिव का श्रृंगार कैसे किया और मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया आप ये भी देख सकते हैं, और आप भी उनकी छवि के दर्शन कीजिए। और भगवान शिव से मेरी यही प्रार्थना है, भगवान शिव सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली हमारी सारी धार्मिक वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जो भगवान शिव को सच्चे मन से मानते हैं वे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और ये सभी शिव पूजन के लिए फूल है। और अब मैं पार्थिव शिवलिंग बनाना आरम्भ करता हूँ। इस वर्ष 2023 में सावन मास के प्रथम सोमवार को कृष्ण अष्टमी तिथि होने के कारण यह तिथि शिव पूजन के लिए बहुत ही शुभ हुई। इस सोमवार को सोमाष्टमी कहते हैं। सोमवार की अष्टमी का कितना बड़ा महत्व होता है, और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन होता है, और यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन भी होता है। इस दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने 64 योगिनी नृत्य करती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख और परेशानियां चल रही है तो यह सोमवार की अष्टमी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एक साल में सोमवार की अष्टमी 3 से 4 बार ही आती है। बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जिस महीने में सोमवार की अष्टमी होती है, और सावन मास में पड़ने के कारण ये बेहद शुभ तिथि है। इस बार मैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पार्थिव शिवलिंग बना रहा हूँ। केदारनाथ भगवान शिव की प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित है। पिछले साल भी मैंने सावन महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग रूप में पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, जिसमें काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर, सोमनाथ और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में पार्थिव शिवलिंग बनाए थे। आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देखिए, भगवान केदारनाथ स्वरूप पार्थिव शिवलिंग बन चुका है। ये ज्योतिर्लिंग इस प्रकार ही दिखता है, जैसा कि आप वीडियो में असली केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के फोटो को देख सकते हैं। भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, इनको किसी ने स्थापित नहीं किया है। यहाँ भगवान शिव खुद निवास करते हैं, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही माँ पार्वती का श्री यंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नव लिंगाकार विग्रह विद्यमान है, इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। और अब मैं ये रुद्र गुणों का निर्माण कर रहा हूँ।
तो दोस्तों ये है भगवान शिव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में पार्थिव शिवलिंग पूजा के दर्शन। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं तीर्थों प्राचीन मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां काली, हर हर महादेव।